सो हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और मेरी मॉर्निंग अभी हुई है, क्योंकि वही है ना, रात भर जागने की आदत है, उसके बाद सुबह नींद लगती है। बट फिर भी ना मैं 12 12:30 1 बजे तक तो उठ ही जाता हूँ, लेकिन आज मैंने काफ़ी ज़्यादा नींद ले ली है। माइट बी संडे इफेक्ट। तो अब फटाफट चल के नाश्ता करते हैं और चाय पीते हैं, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि आज का प्रोग्राम क्या है। वैसे कुछ खास प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि शाम 6 बजे से मेरी शिफ्ट है। तो देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं आज के दिन को, और आपको भी दिखाते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। और ये चाय की तैयारी रीति करनी शुरू कर दी है। अदरक लिए जा रहे हैं, बढ़िया अदरक वाली चाय में। मिर्च भी डालनी है चाय में? नहीं, मिर्च तो कोई नहीं आपकी डालता चाय है। में डाल नहीं, मैं तो अदरक वाली ही लूंगा चाय। तो ये बढ़िया चाय हमने चढ़ा दी है, तो इसको बनाने वाले हैं हम लोग। गाड़ी में एक फॉग लैंप है जो कि जल नहीं रहा है, तो मैंने वही जस्ट देखने के लिए आया हूँ कि एग्जैक्टली ये हो क्या गया। गाइस, ये तो अंदर चला गया है। आई मीन फॉग लैंप है अंदर, बट ये जल नहीं रहा है, और ये बिल्कुल सही है। इसको देखना पड़ेगा, शायद इसके कुछ लॉक्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। लॉक देख रहे हो, ये शायद टूट गए हैं। दूसरे साइड का सही लगा हुआ है। बहुत बढ़िया बारिश आ चुकी है गाइस। देखो, अच्छी तेज हवा चल रही है और रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। मतलब ये देखो, आप गाड़ी में छोटी छोटी बूंदें दिख रही है ना आपको, तो ऐसी बढ़िया से बारिश हो रही है। मन तो कर रहा है यहीं बैठ जाऊँ, लेकिन मच्छर इतने होते हैं यहाँ पे कि बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ, नहीं तो यहाँ पे पापा की गाड़ी आके खड़ी हो जाती है। तो गाइस, हमारा बगीचा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। हुआ ये था कि लास्ट वीक मैं जाम सांवली मंदिर जा रहा था। जाम सांवली, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ, हनुमान जी का बहुत ही सिद्ध मंदिर है, और ये छिंदवाड़ा से अप्रोक्स 50 किलोमीटर पड़ता है। छिंदवाड़ा MP से, नागपुर से अगर आप आते हैं तो ये आपको अप्रॉक्स 70 किलोमीटर पड़ता है। सौंसर के बाद, सौंसर आई गेस MP में ही आता है। तो मैं वहाँ से लौट रहा था, तो हुआ ये कि कई बार पक्षी नहीं आपके हाईवे पे आके बैठे होते हैं, सामने ग्रुप में पक्षी बैठे हुए थे, तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, गाड़ी आती है तो उड़ जाते हैं सामने से। बट इस बार ऐसा हुआ कि वो पक्षी उड़े नहीं, और एक पक्षी जो है वो मेरी गाड़ी से टकरा गया अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने जब आगे जाके रोका, तो हालांकि वो उड़ गया था, उसको ज़्यादा चोट चोट तो खैर लगी होगी जब गाड़ी से टकराया, बट वो उड़ गया था। तो मैंने जब फिर आकर के गाड़ी में बैठा, तो मैंने रात को लाइट जलाई, फॉग लैम्प जलाए, तो मुझे लगा कि कुछ रोशनी कम लग रही है। तो रोशनी कम लग रही है, तो फिर मैं जब उतर के देखा तो लाइट तो आ रही थी, बट ये फॉग लैम्प अंदर जा चुका था। तो वो जस्ट अभी मैंने एग्जामिन किया इसे, और ये मुझे लग रहा है कि लॉक टूट गया है और मैं इसे नहीं सुधार पाऊंगा। मैंने काफ़ी कोशिश की उसको बाहर खींचने की, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा। तो इसे एक काम करेंगे हम, बाहर आफ्टर मार्केट तो नहीं है, ये कंपनी फिटिंग है, तो हम इसे मारुति ले जा करके ही दिखाएंगे। और अगर आप में से किसी को पता है कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक ऐसा पता है कि इसके लिए पूरा बम्पर सामने से खोलना पड़ेगा और उसके बाद सेट करके वापस से उसको लगाएंगे, तो आई गेस ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है। बट फिर भी अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइज, कल हमारे घर में एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। एक नहीं, मतलब काफ़ी गेस्ट आने वाले हैं। हर साल सावन में हम उनको बुलाते हैं, तो उनके लिए हम सामान जो है पैक करके रख रहे हैं। ये आप देखो, ये हमने सामान रेडी कर लिया। हर तरह की दालें हैं इसमें, शक्कर और जो भी देने का सामान होता है वो सारा कुछ हमने पैक कर लिया है। ऑलमोस्ट तैयारियां हो चुकी हैं, बट गेस्ट कौन आ रहा है ये हम आपको कल मिलवाएंगे। ये मम्मी पूरा सामान पैक कर रही हैं। चलो बढ़िया है, रितिका भी लगी हुई है तैयारी में। कहाँ हो, आओ दिखाओ तो जरा क्या क्या कर रही हो।
ये भी सामान पैक करने में लगी हुई है। कुल मिला के काफ़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, तो कल मिलवाऊंगा मैं वो स्पेशल गेस्ट कौन है। तो गाइस जो भी स्पेशल गेस्ट हैं मैं उनसे कल आपको मिलवाता हूँ, और काफ़ी बढ़िया कल का दिन हमारा जाने वाला है। सुबह सुबह आई गेस उनको टाइम दिया हम लोगों ने 9 से 10 के बीच में या 11 के बीच में, जब भी उन्हें सही लगेगा वो आएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल मैं थोड़ा बोर हो रहा था तो मैंने कहा चलो थोड़ा पॉपकॉर्न खा लेते हैं और आपको भी हम दिखा देते हैं। मतलब पॉपकॉर्न क्या ही दिखाना, सब तो पता है आपको, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैं बहुत स्पेशल तरीके से पॉपकॉर्न प्रिपेयर करता हूँ, सो प्लीज़ टेक अ लुक। भाई पूरा गंजे में ऊपर तक भर लिया था मैंने ये पॉपकॉर्न, ये गोल्डन फ्लेवर है, पता नहीं ये कौन सा एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ बढ़िया है। तो गाइस आज के लिए हम ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, कल सुबह आपको मिलेंगे एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, और कल मैं आपको अपने स्पेशल गेस्ट से भी मिलवाने वाला हूँ जो कि आने वाले हैं। एज ऑलवेज मैंने कहा था कि वो हर साल एक बार आते हैं हमारे घर पे, तो आज के लिए हम इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, फटाफट तैयारी शुरू करते हैं। और क्योंकि आज मेरा ऑन कॉल ड्यूटी डे है तो मुझे नहीं पता कि कब ट्रिंग 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 घंटी बज जाएगी, तो इसलिए आपसे विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ ये हमारा नया चैनल है तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एज ऑलवेज पेटेंट डायलॉग, सुबह हो या शाम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बाय।